अब ध्यान से सुनिएगा, पांचवा घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चों को, पांचवा घर रिप्रेजेंट करता है आपकी बुद्धि को, आपके विजडम को। जब बच्चों की बात आती है तो आदित्य ठाकरे का जिक्र आएगा। मैंने आदित्य ठाकरे की भी कुंडली को एनालाइज किया, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी फ्यूचर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्या कहते हैं सितारे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे उस समय की कुंडली जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी। देखिए, जब भी कोई ऑफिशियली ओथ लेते हैं, मतलब उस टाइम से उनका ऑफिशियल टेन्योर स्टार्ट हो गया है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी ऑफिशियल हो, तो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है उस समय की जो कुंडली है वो ये बताती है कि आगे जो उनका टेन्योर है वो किस तरह का होगा। तो शपथ ग्रहण की जो कुंडली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उद्धव ठाकरे जी ने जो शपथ ली थी वो 28 नवंबर 2019 को शाम को 6:40 की बॉम्बे में ली थी। तो उस समय का जो हमने कुंडली बनाई है उसमें जो लग्न आ रहा है वो आ रहा है वृष लग्न, यानी कि टॉरस लग्न। अब देखिए, जो ये कुंडली है उस टाइम पे भी हमने ये एनालिसिस किया था कि जो गवर्नमेंट है ये बहुत टाइम तक नहीं टिक पाएगी, पर वो टाइम कब आएगा, वो टाइम अब आ रहा है। तो अब की जो है हम स्थिति के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको उस कुंडली के बारे में बताऊं। तो जैसे मैंने कहा कि जो शपथ ग्रहण की जो कुंडली है उसमें वृष लग्न है, टॉरस लग्न है, और पांच ग्रह आठवें घर में बैठे हैं जिसमें लग्न का स्वामी शुक्र खुद भी बैठे हुए हैं। तो शुक्र, शनि, केतु, चंद्रमा और गुरु, ये पांच के पांच ग्रह जो है वो आठवें घर में बैठे हुए हैं। मंगल और बुध जो है वो छठे घर में बैठे हैं। अब आठवां घर जो होता है वो सीक्रेसी का घर है, आठवां घर जो है सडननेस का घर है, सडन लॉस का घर है, कॉन्स्पिरेसी का घर है। ज्योतिष में आठवां घर जो है वो सबसे खराब घर माना गया है। अब यहाँ पे जो है सारे ग्रह जो है वो आठवें घर में बैठे हैं, तो कुंडली जो है कमजोर हो गई है इसके कारण। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि छठे घर में जो है मंगल और बुध है, छठा घर जो है वो आपके एनिमीज का घर है, आपके शत्रुओं का घर है। छठा घर जो है कॉम्पिटिशन का घर है, आपके कॉम्पिटिटर्स का भी घर है। अब अभी की जो स्थिति है, जो अभी की ग्रह दशा है, नवंबर 2020 की जो ग्रह दशा है और जो ग्रह दशा 2020 दिसंबर में रहेगी, वो अगर हम इस कुंडली पे लगाएं तो हम देखते हैं जो छठा घर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। मंगल भी जो है वो छठे घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, शुक्र छठे घर में बैठे हैं, शनि भी जो है वो छठे घर को दिख रहे हैं। अब इस कुंडली में जो मंगल है वो सातवें घर के स्वामी है, सातवां घर जो है वो आपके पार्टनरशिप का घर है, आपके अलायंसेस का घर है, और वो मंगल जो है वो आठवें, वो छठे घर को देख रहे हैं। तो दैट मींस आपके पार्टनर्स के साथ, आपके जिन लोगों के साथ ने अलायंस फॉर्म किया उनके साथ जो है किसी ना किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होगा, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, कुछ ना कुछ सडन जो है वो चेंजेस आएंगे। अब ये एनालिसिस कंप्लीट नहीं होता है जब तक मैं आपके साथ उद्धव ठाकरे जी की हॉरोस्कोप डिस्कस ना करूं। तो जो उद्धव ठाकरे जी की हॉरोस्कोप है उसमें जो उनका लग्न है वो उनका वर्गो लग्न है, और जो उनकी दशा शुरू हुई है, जो उनकी दशा है वो है अभी गुरु में शुक्र में शुक्र। जो शुक्र की प्रत्यंतर दशा है उनकी वो 27 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है और वो 8 अप्रैल 2021 तक चलेगी। तो जो ये पीरियड है अभी अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का, वो जो पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अब इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए जो है हम प्रत्यंतर दशा को पकड़ते हैं, वो जो है उनके केस में, उद्धव जी के केस में शुक्र है, वीनस है। शुक्र जो है वो इनके नवांश कुंडली में अगर आप देखें तो शुक्र और मंगल दोनों के दोनों जो है वो 12वें घर में बैठे हैं और शनि जो है उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 12वां घर जो है वो लॉस का घर होता है। मैं जो यहाँ पे आपसे पूरी कुंडली का एनालिसिस नहीं करूंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपसे सिर्फ जो अभी की सिचुएशन है, जो अभी की प्लैनेटरी पोजीशन है उसके बारे में ही डिस्कस करूंगी। उसमें भी मैंने जो है सिर्फ शुक्र को पकड़ा है क्योंकि वो प्रत्यंतर दशा नाथ है और जो उनकी दशा है वो अक्टूबर से अप्रैल तक चलेगी, और ये जो है जो ये 6 महीने का पीरियड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है और इसमें जो है काफी चेंजेस हम देख पाएंगे। तो टॉकिंग अबाउट वीनस, शुक्र की जो नवांश कुंडली में इनका शुक्र जो है वो इनके 12वें घर में गोचर कर रहा है, 12वें घर में बैठा है सॉरी, और शनि उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 12वां घर जो है जैसा मैंने कहा लॉस का घर होता है। दशमांश कुंडली में इनकी जो है, जो कि हम प्रोफेशन के लिए देखते हैं खास करके, उसमें जो है इनका शुक्र नीच का है और चौथे घर में बैठा हुआ है। चौथा घर जो है एक पॉलिटिशियन की कुंडली में रिप्रेजेंट करता है जनता को, मासेस को।
तो नीच का शुक्र वहां बैठना, वो भी राहु केतु एक्सेस में, इज नॉट शोइंग अ वेरी गुड सिचुएशन। ऑल्सो अभी जो है गोचर में, जो ट्रांजिट में जो है शनि और गुरु दोनों के दोनों जो है इनके शुक्र को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और इनका जो फिफ्थ हाउस है, पांचवा घर है, वो बहुत एक्टिवेटेड हो रखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, पांचवा घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चों को, पांचवा घर रिप्रेजेंट करता है आपकी बुद्धि को, आपके विजडम को। जब बच्चों की बात आती है तो आदित्य ठाकरे का जिक्र आएगा, मैंने आदित्य ठाकरे की भी कुंडली को एनालाइज किया, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। तो उद्धव ठाकरे की जो कुंडली है और जो स्वेरिंग इन सेरेमनी की कुंडली है वो बहुत अच्छा इंडिकेट नहीं कर रही है, और उस जो अच्छा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है उसमें आदित्य ठाकरे का भी रोल आ रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे आदित्य ठाकरे की कुंडली। आदित्य ठाकरे का जो लग्न बन रहा है वो है कुंभ लग्न, यानी कि एक्वेरियस। इनके 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर अभी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, जो 12वें घर में इनके शनि, चंद्रमा और राहु बैठे हुए, जो इनकी दशा चल रही है, दशा है इनकी जुपिटर में, गुरु में, गुरु अंतरदशा भी गुरु की है, और प्रत्यंतर दशा जो है वो शनि की है। जो इनकी शनि की प्रत्यंतर दशा है वो 5 अक्टूबर से शुरू हुई है और वो जो है इनकी फरवरी एंड तक चलेगी। तो अगर आप दशा भी देखें उद्धव ठाकरे की और आदित्य ठाकरे की, तो दोनों की जो है दशा लगभग सेम टाइम पे चेंज हुई है, अक्टूबर के महीने में, और उद्धव जी की अप्रैल तक चलेगी और आदित्य ठाकरे की फरवरी एंड तक चलेगी। तो ये जो कुछ महीने हैं ये जो है बहुत क्रिटिकल होंगे। अब जो ट्रांजिट है, अभी जो प्लैनेटरी पोजिशन है, वो अगर हम आदित्य ठाकरे की कुंडली में लगा के देखते हैं तो देखिए, एक तो इनकी अभी 7.5 चल रही है, दूसरा जो ज्योतिष की क्लासिक्स में लिखा हुआ है, गोचर का एक प्रिंसिपल है, ट्रांजिट का प्रिंसिपल है, कि जब भी कोई नेटल प्लैनेट पे ट्रांजिट वाला वही प्लैनेट आता है तो वो समय जो है बहुत ही खराब होता है। जैसे इनके केस में अभी शनि पे इनका जो ट्रांजिटिंग सैटर्न है वो इनके नेटल सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो वो भी जो है बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा मंगल, मंगल इनके सेकेंड हाउस में बैठा है और मंगल भी इनके नेटल मंगल पे ट्रांजिट कर रहा है। अब देखिए, मंगल और शनि जो है वो एस्पेक्ट कर रहे हैं शुक्र को, शुक्र पीड़ित है क्योंकि दोनों मेलेफिक, दोनों खराब ग्रह, मंगल और शनि जो है उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं। शुक्र जो है वो इनके 9th हाउस, नवम भाव के स्वामी है। 9th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है फादर को, तो इनका 9th हाउस पीड़ित है। उद्धव ठाकरे की कुंडली में हमने देखा था उनका पंचम भाव पीड़ित था, जो कि बच्चों को बताता है। आदित्य ठाकरे की कुंडली में इनका 9th हाउस पीड़ित है, जो कि फादर को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो शनि जो है वो इनके 12वें घर से बैठ के इनके 6ठे घर को गोचर कर रहा है। 6ठा घर जो है वो, जैसे मैंने बोला, कंपटीशन का घर है, लड़ाई झगड़े का घर है। मंगल दूसरे घर से बैठ के इनके 8वें घर को देख रहा है। 8वां घर जो है वो सडननेस का घर है, और ये दोनों ग्रह जो है 9th हाउस को, जो कि फादर का घर है, उसको तो देख ही रहे हैं। तो और देखिए, दशा भी दोनों का, जैसे मैंने कहा दोनों के दशा पीरियड भी ऐसे हैं जो कि जो दोनों के प्रत्यंतर दशानाथ हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और दोनों की दशा, प्रत्यंतर दशानाथ का जो टाइम है वो भी कोलाइड कर रहा है अक्टूबर से अप्रैल एंड अक्टूबर से फरवरी तक का। तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी जो है आदित्य ठाकरे को लेके सामने आएगी। अब देखिए, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो बहुत सी बातें छुपा दी जाती हैं, बहुत सी बातें दबा दी जाती हैं, पर जो ग्रह कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के ग्रह जो है जो बहुत अच्छे नहीं है, और कुछ ना कुछ, जैसा मैंने कहा, कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगी जो कि जिसमें आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व होंगे, और वो जो है बहुत मेजर रोल प्ले करेगी वो कंट्रोवर्सी इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड उसका इम्पैक्ट जो है उद्धव ठाकरे और उनकी जो पोजिशन है उसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो ये मेरा एनालिसिस था, मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक का भी। टिल देन, टेक केयर।